मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि स्वरा भास्कर कन्हैया कुमार को लेकर भारत नहीं जुड़ता, 370 हटाने से जुड़ता है। आदरणीय राहुल गांधी जी, स्वरा भास्कर जी को लेकर के, कन्हैया कुमार को लेकर के, सुशांत को साथ में लेने से भारत नहीं जुड़ता। भारत जब जुड़ता है जब 370 समाप्त होती है, भारत जब जुड़ता है जब CA आता है, भारत जब जुड़ता है जब ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा समाप्त होती है। आदरणीय, आपके पूर्वजों ने तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान में जो पुरजोर पैरवी उन्होंने समान नागरिक संहिता को लागू करने की थी, उसको भी लागू नहीं होने दिया है। अब वक्त आ गया है जब एक विधान और एक संविधान और एक राष्ट्र के साथ में हम आगे बढ़ें। सुप्रीम कोर्ट की साहबाना जी को सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद भी आपने हरा दिया था तुष्टिकरण की राजनीति के कारण से। ये तुष्टिकरण की राजनीति ने देश को बहुत नुकसान किया है। मैं तो आदरणीय कमलनाथ जी से भी निवेदन करूंगा कि उनको भी समान नागरिक संहिता पर अपनी राय को स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखना चाहिए। एक प्रोग्राम को खिताब कर मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने साफ अल्फाजों में ये कहा है कि मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा और उसके लिए कमेटी बनाई जा रही है। कई बार बड़े खेल हो जाते हैं, खुद जमीन नहीं ले सकते तो कोई आदिवासी के नाम से जमीन ले ली, होता है कि नहीं होता? अरे बोलो रे भैयाओ। और कई बदमाश ऐसे भी आ गए जो किसी आदिवासी बेटी से शादी कर लेते और शादी करके उसके नाम से जमीन ले लेते। आज मैं जागरण की अलख जगाने आया हूं, बेटी से शादी की और जमीन ले ली। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? एक देश में दो विधान क्यों चलेगी? एक ही होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं, समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए, फिर ज्यादा क्यों होना चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी तर्जुमान अखिलेश प्रताप सिंह ने हमारे नुमाइंदा मोहित शुक्ला से बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। गरीब की थाली में पुलाव है, लगता है कहीं ना कहीं तो चुनाव है। गुजरात में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को यूनिफॉर्म सिविल कोड याद आ रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अखिलेश प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। सर एक बात बताइए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर अब क्यों याद आ रहा है? अगर याद आना भी था तो थोड़ा पहले आ सकता था, कैसे देख रहे हैं? लगता कहीं चुनाव आने वाला है, मध्य प्रदेश में आने वाला है, इसीलिए उनको याद आ रहा है क्योंकि अगर उनके पास अपने कोई काम होते तो उसका जिक्र करते। तो ये भाजपा के लोगों के मुख से जब समाज को बांटने के लिए, तनाव उत्पन्न करने के लिए और डींगे हाँकने के लिए जब बयान बहाने लगे तो समझिए कि कहीं इनके राज्य में चुनाव होने वाला है। अच्छा, ये चुनाव में जाने वाले हैं और इनके पास अपना कोई काम नहीं है, इसलिए अब ये समाज को बांट के उसी के सहारे बैठे हुए हैं, लेकिन लोग अब समझ चुके हैं। सर अगर एक से ज्यादा बीवी है भी तो आखिर दिक्कत क्या है? और UCC अगर आ भी जाता है तो उससे क्या सियासी नफे नुकसान होंगे या व्यक्तिगत क्या नफे नुकसान होंगे? थोड़ा सा देखिए, ये कौवा कान लेके गया, कौवे के पीछे आप मीडिया वाले भागे। जब कोई चीज ऑथेंटिक आती है उसके बाद हम पॉलिटिशियंस हैं, हम उसके बाद उस पर बहस करते हैं। जी सर एक बात बताइए, कहा यह जा रहा है कि ये केंद्र सरकार का विषय है, ये राज्य सरकार की सूची में नहीं आता है, राज्य सरकार इस पे किसी तरीके का कानून नहीं बना सकती है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि भाई हम एक कमेटी गठित करेंगे जो इस तरीके के पूरे भी है भी, तो आखिर दिक्कत क्या है? और यूसीसी अगर आ भी जाता है तो उससे क्या सियासी नफे नुकसान होंगे या व्यक्तिगत क्या नफे नुकसान होंगे? थोड़ा सा देखिए, ये कौवा कान लेके गया, कौवे के पीछे आप मीडिया वाले भागे। जब कोई चीज ऑथेंटिक आती है उसके बाद हम पॉलिटिशियंस हैं, हम उसके बाद उस पर बहस करते हैं। जी सर एक बात बताइए, कहा यह जा रहा है कि ये केंद्र सरकार का विषय है, ये राज्य सरकार की सूची में नहीं आता है, राज्य सरकार इस पे किसी तरीके का कानून नहीं बना सकती है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि भाई हम एक कमेटी गठित करेंगे जो इस तरीके के पूरे मामले को देखेगी। शिवराज सिंह चौहान आप ही के लिए कह रहे हैं कि आप कम से कम इसको उठाइए, लेकिन हमारा तब आना होगा कि जब सरकार कोई चीज करेगी। अभी तो भैया तुम 5 साल का हिसाब दो, सरकार तो तुम्हें जनादेश तो मिला नहीं,
तुमने अपने बल पे साम दाम दंड भेद सत्ता पैसा पावर राजभवन इधर उधर से सरकार तोड़ मोड़ के तो बना ली, लेकिन अब आप परफॉर्म तो कर नहीं पा रहे हो, जनता के सामने मुंह नहीं दिखा सकते हो, तो अब इधर उधर की बातें कर रहे हो। लेकिन जो मध्य प्रदेश में आपने भारत जोड़ो यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए, वहां पे लोगों को रोकने के लिए, वहां के पोस्टर बैनर होर्डिंग को हटा करके आपने जो प्रयास किया कि सफल ना हो, और उसके बावजूद भी ऐतिहासिक सफलता मिली मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा को, लाखों लाख लोग साथ चल रहे हैं, तो अब उससे बीजेपी मध्य प्रदेश की घबराई। चलिए खेलते तो वैसे आप बहुत अच्छा है और फ्रंट फुट पे खेलते हैं, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से गुजरात में विधानसभा चुनाव का दूसरा फेज आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी भी आगे बढ़ रही है, और ये बयानबाजी आगे भी आपको देखने को मिलेगी, बशर्ते तब तक के लिए जब तक दूसरे राज्य में चुनाव नहीं आ जाते हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब टीवी, दिल्ली। बारामूला के रिंगवली गांव में राशन का बाजार लगाया गया है। लोगों ने बताया कि पहले उन्हें 5-6 किलोमीटर दूर चलकर राशन लाना पड़ता था, अब इस राशन के बाजार से लोगों की परेशानियों में कुछ कमी आई है। वहीं इलाकाई लोगों ने इसके लिए इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। हमारे आज राशन की जो सहूलत फ्राहम की गई, इसके लिए हमें 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। विंटर में हमारे यहाँ पे कम से कम 3.5 से 4 फुट बर्फ गिरती है। बूढ़े हमारे बुजुर्गों को यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जिसके दूसरे गांव में जिसका नाम बद्रकोट में जाना पड़ता था। तो इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये हमारी परेशानी थी जो ये परेशानी सॉल्व की गई। मेरा नाम अली मोहम्मद कसाना है, मेरी उम्र 70 साल है। मुश्किलात बहुत थी जनाब। एक मुश्किलात हमारा पहले नंबर राशन की थी, राशन कार्ड की, वो मिल गए। हम शुक्रगुजार हैं DTC का, हम शुक्रगुजार हैं इस पंचायत का, हम शुक्रगुजार हैं सब मुलाजमों का, पार्टी गार्डों का। दूसरी यह चीज़ है कि गुजारिश है कि रोड हमने बिल्कुल है नहीं, हमने जाना पड़ा बद्रकोट तोड़िए 6-7 किलोमीटर, इसकी यह मुश्किल हमारी लोग दूर होनी। तीजी मुश्किल यह है हमने लौटिए एक डिस्पेंसरी होनी, बिल्कुल मजबूरी तौर माल की भी इंसानों की भी, हमने सर्दी में बहुत मुश्किल हो। तो अच्छा, हम इसमें इंशाल्लाह खुश हैं। 70 साल के बाद हमारी ये डिमांड हुई तो अच्छा है, इसके लिए कौन, ये अच्छी हुई लोगों के लिए फैसिलिटी मिली तो इसमें तो खुश है। जो जितनी जितनी डेवलपमेंट लोग खुश हो जाएंगे, तो जितना अनकम्प्लीट रहेगा तो लोगों की नाराज़गी हो जाए होती है। लेकिन देखो, मैंने पहले भी बोला होती है, मैं नहीं कहता हूँ गवर्नमेंट नहीं कर पाती है, गवर्नमेंट कर पाती है, लेकिन गवर्नमेंट को ज़्यादा जहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है उन इलाकों के छोड़ के लिए, इसके लिए इन इलाकों फार फ्लांग एरिया जो है, यहाँ गोगलडारा है, रिंगा वाली है, दाराकसी है, गुजर बस्ती है, इत ST ट्रैवल के लिए हमारा ट्रैवल का पैसा भी नहीं हमें, इसलिए हम गुजारिश करते हैं LGA इंतजामिया से थोड़ा नज़र दे इस पर। मेरा कस्बा मेरी बिराज के तहत पुंछ में आवाम को हर महकमे के मंसूबों की जानकारी दी जा रही है, साथ ही नगर परिषद ने कुछ लोगों को रेडी या दुकान के लाइसेंस भी बांटे। आप जानते हैं कि सरकार के आदेश के अनुसार ये माई टोन माई प्राइड का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है, और पहले कुछ दिन जो है वो हमें जन अभियान चलाना है। आज 5वां दिन है जन अभियान का, और जन अभियान का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं वो जो उनकी स्कीम्स होती हैं उन स्कीम्स को लेकर जो है वो IEC एक्टिविटीज़ करते हैं, और IEC एक्टिविटीज़ के करने के साथ साथ कुछ डिलीवरेबल्स होते हैं जिसमें उनको कोई डिलीवरेबल जो अचीव करने होते हैं। डिलीवरेबल मींस के कोई भी डिपार्टमेंट जो सर्विसेज दे रहा है, अगर आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो केसेस जो है वो थ्रू करेगा, अगर कोई हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर है तो उनके जो अपने डिलीवरेबल हैं उनको सैचुरेट करेंगे, गोल्डन कार्ड बनते हैं, PM किसान की रजिस्ट्रेशन होती है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के वो सरकार ने फिक्स करके रखे हुए हैं। एक तो लोगों को बताते हैं कि काम क्या है, दूसरा जो डिलीवरेबल जो है अचीव करते हैं इस किस्म के कार्यक्रम में। तो आपने भी देखा होगा कि सभी डिपार्टमेंट्स के लोग जहाँ आए हुए हैं और उनको कुछ एक को बोलने का भी मौका दिया गया, जिसमें उन्होंने अपने डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में बताया। तो जहाँ जो हमारा जो पुंछ म्यूनसिपल कौंसिल का कार्यक्रम है वो डाक बंगलों में हमने एक जहाँ जो शमियाने लगाकर इनके स्टॉल लगा के जो है उसको चला रहे हैं, और इसको चलाने के लिए जो म्यूनसिपल के कौंसिल के प्रेसिडेंट साहब हैं और इनके जो कौंसलर्स की टीम है और जो म्यूनसिपल के एम्प्लॉयज़ हैं उनका ही मेन जो इनिशिएटिव है। उनके साथ साथ जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जो ज़रूरत है या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से जो इनको सहयोग चाहिए वो भी जहाँ पे मुहैया करवाए हुए हैं।